सो दोस्तों, इंडिया में काफी सारे 5G फोन ऑलरेडी है और इन फ्यूचर आपको बहुत सारे 5G स्मार्टफोन देखने को मिलेगा जो कि काफी एक्सपेंसिव और महंगा है। लेकिन हर एक फोन नहीं है, कुछ फोन ऐसा भी है जिसका प्राइस थोड़ा कम है, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर 5G नेटवर्क जो कनेक्टिविटी है क्या आपको लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G कनेक्टिविटी है ही नहीं। अगर आप मान के चलो तो 2 से 2.5 साल तक अभी भी टाइम है इंडिया में 5G नेटवर्क होने में। तो क्या इस टाइम पे आपको कौन सा ज्यादा सही रहेगा, क्या 5G नेटवर्क वाला फोन या 4G नेटवर्क? तो उस हिसाब से कुछ नेगेटिव और कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, अबाउट 5G नेटवर्क। तो मैं इसी के बारे में इस वीडियो के ऊपर मैं आपको पूरा डिटेल्स में समझाऊंगा कुछ पॉजिटिव पॉइंट अगर आपको आपको 5G फोन लेना है तो, अगर आपको नहीं भी लेना है तो उसका भी कुछ नेगेटिव पॉइंट मैं पूरा डिटेल्स में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को देखते रहे लास्ट तक, और वीडियो अच्छा अगर लगा तो वीडियो को लाइक और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिए, अगर नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आप सिर्फ एक 5G टेक्नोलॉजी के लेके स्मार्टफोन खरीद रहे हो तो आपको बिल्कुल भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि 5G नेटवर्क टेक्नोलॉजी आने में अभी भी इंडिया में 2 से 2.5 साल तक लग सकते हैं। लेकिन आपके पास बजट है, आप 2 से 3 साल तक यूज करने वाले हो तो आप ले सकते हो, क्योंकि तब तक इंडिया में आ सकता है 5G नेटवर्क, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई गारंटी नहीं है, ठीक है, अभी तक इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। लेकिन आपके पास बजट नहीं है तो लेके क्या करोगे, या आप 1 साल तक या 6 महीने बाद फिर चेंज करोगे तो आप लेके क्या करोगे कि आपको 5G जो फीचर्स है उस फोन के अंदर वो तो आप यूज कर ही नहीं पाओगे। 5G स्मार्टफोन किन लोगों के लिए सही है? साउथ कोरिया, US, चाइना, क्योंकि उन लोगों के पास ऑलरेडी 5G टेक्नोलॉजी है, उन लोगों के लिए सही, उन लोगों को फायदेमंद है 5G फोन यूज करने में। लेकिन इंडिया में तो नहीं है, क्योंकि इंडिया में अभी तक 5G नेटवर्क नहीं है। सिर्फ एक 5G नेटवर्क के लिए एक फोन लेना सही नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो प्राइस है 5G स्मार्टफोन 90% जितना भी फोन है वो काफी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखे तो आपको 5G स्मार्टफोन नहीं लेना चाहिए, या आप अगर आपको बजट है तो सिर्फ आप तभी ले सकते हो, या आप 2 से 3 साल तक यूज करने वाले हो। नहीं तो अगर आपके पास बजट नहीं है या आप 6 महीने 1 साल बाद आप चेंज करने वाले हो तो आपको नहीं लेना चाहिए 5G स्मार्टफोन। तो उस हिसाब से देखें तो आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है, ठीक है। आप सोचिए आपको क्या चाहिए, तो उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए कि आपको लेना है या नहीं लेना है। अगर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो जितना भी 5G स्मार्टफोन है उस फोन के अंदर जो परफॉर्मेंस आपको मिलेगा वो 4G फोन में कभी भी नहीं मिल सकता है, क्योंकि 5G फोन में आपको सारे लेटेस्ट और मॉडर्न फीचर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आप सिर्फ 5G एक स्मार्टफोन जब यूज कर रहे हो, सिर्फ 5G नेटवर्क तो नहीं यूज कर रहे हो, आप उसके अंदर गेमिंग भी खेल रहे हो, ठीक है, आपको बहुत जरूरी चीज में आप यूज कर रहे हो, तो उस हिसाब से देखे तो आपको 5G स्मार्टफोन में काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। तो उस हिसाब से अगर आप उस पॉइंट पे देखो तो आपको एक 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 5G नेटवर्क कनेक्टिविटी को अगर छोड़ दो तो फोन के अंदर जितना भी फीचर्स है या जितना भी परफॉर्मेंस है काफी अच्छा, काफी बेहतर मिलने वाला है कंपेयर टू 4G स्मार्टफोन। तो उस हिसाब से आप 5G स्मार्टफोन ले सकते हो। तो ये हो गया पॉजिटिव। देखिए, अगर आप जब भी एक फोन परचेस कर रहे हो तो आप देखिए आपका बजट क्या है। अगर आपका बजट 25 या 30K के आसपास है तो उस हिसाब से आप 4G स्मार्टफोन आपके लिए लेना सही रहेगा। लेकिन अगर आपके पास 50,000, 60,000 या 70,000 या उसके ऊपर भी है, क्योंकि हर एक के पास उतना बजट नहीं होता है, ठीक है, तो अगर आपके पास बजट ज्यादा है तो आपको डेफिनेटली 5G स्मार्टफोन लेना चाहिए, क्योंकि आपको अंदर मतलब उस फोन के अंदर, ठीक है, आपको काफी अच्छा परफॉर्मेंस मिलने वाला है। अगर आपको किस चीज के लिए चाहिए उस हिसाब से आप सोचिए, ठीक है, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्योंकि आपके फोन में आपको क्या करना है। आपको फोन में अगर ज्यादा कुछ नहीं करना है तो उतना हाई परफॉर्मेंस फोन लेकर आपको कुछ फायदा नहीं है। लेकिन आपका गेमिंग का शौक है, ठीक है, एडिटिंग का शौक है, ठीक है, या वीडियो एडिटिंग या म्यूजिक एडिटिंग जो भी है, अगर आप करना चाहते हो तो आप हाई परफॉर्मेंस फोन ले सकते हो, अगर आपके पास बजट है तो। तो उम्मीद है कि आपका जो कन्फ्यूजन है 5G और 4G स्मार्टफोन को लेकर या 5G टेक्नोलॉजी को लेकर क्लियर हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और सपोर्ट करते रहिए मेरे चैनल को, टेक्नो साउंड को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।